हेलो फ्रेंड्स, वैशालीज क्रोशिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशिया से ये ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर हैंडबैग बनाना सीखेंगे। इस तरह हमने इसे लाइनिंग की है अंदर से और प्रेस बटन भी लगाया है। ब्यूटीफुल हैंडल बनाए हैं इसके लिए, बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है। इसे बनाने के लिए हम 4-ply एक्रेलिक यान का यूज़ करेंगे। इस तरह ये 4 कलर्स हमने यूज़ किए हैं, येलो, ग्रीन, वाइट एंड लाइट ब्लू। इस तरह का 4-ply यान यूज़ करेंगे। आप कोई भी यान यूज़ कर सकते हैं या थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं कॉटन का। इस थ्रेड के लिए हम 1.75 mm का हुक यूज़ करेंगे। सीजर, टेपेस्ट्री नीडल, ये सब हम यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम ये फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे। बहुत सुंदर ऐसा पैटर्न है। सेंटर बनाएंगे इसका, फ्लावर का सेंटर बनाएंगे। येलो कलर की यान से स्लिप नॉट करेंगे। नेक्स्ट चेन फाई करेंगे। फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। छोटी सी रिंग बना ली हमने यहाँ पे। चेन थ्री करेंगे। चेन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे। नेक्स्ट 15 डबल क्रोशे बनाएंगे, टोटल 16 डबल क्रोशे। 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and last one 16 डबल क्रोशे हमने बना लिए। 16 डबल क्रोशे। यहाँ पे थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह हमने फ्लावर का सेंटर बना लिया। एक चेन करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे और कट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड हमने बना लिया। सेकंड राउंड बनाएंगे व्हाइट कलर के थ्रेड से। यहाँ से हमने स्लिप स्टिच की थी उसी स्टिच में से हुक को पास करेंगे। यहाँ से हुक को पास करेंगे और लूप को पुल कर लेंगे। व्हाइट कलर के यान को डबल धागे से चेन वन करेंगे, सिंगल धागे से चेन टू, एक चेन करेंगे और सेम स्टिच पर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। 3, अब तीनों का एक करेंगे। हुक पर एक लूप लेंगे और तीनों लूप्स में से निकाल लेंगे, एक चेन करेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर भी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह पेटल बनाएगी फ्लावर का। इस तरह 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेगी और तीनों का एक करेगी, एक चेन करेगी। 2 पेटल्स हमने बना लिए। हर स्टिच पर हम इसी तरह 3 डबल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे और तीनों का एक करेगी। इस तरह 16 पेटल्स बना लेंगे और बीच में चेन वन का स्पेस देंगे। इस तरह हर स्टिच पर हम पेटल बनाते जाएंगे
और बीच में चेन वन का स्पेस देके आगे के सारे पेटल्स बना लेंगे। नेक्स्ट स्टिच पर पेटल बनाएंगे चेन वन। इस तरह हमने यहाँ पे 14 पेटल्स बना लिए। नेक्स्ट 15th पेटल बनाएंगे, 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे और उनका एक करेंगे चेन वन। लास्ट 16 पेटल बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे टुगेदर। इस तरह चेन वन करेंगे और यहाँ पे फर्स्ट पेटल के ऊपर वाली चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच, एक चेन करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह हमने सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इस राउंड में हमने 16 पेटल्स बना लिए वाइट कलर के। नेक्स्ट राउंड थर्ड राउंड बनाएंगे ब्लू कलर के थ्रेड से। अब यहाँ पे दोनों पेटल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें से हुक को पास करेंगे और ब्लू कलर का थ्रेड यहाँ से पुल कर लेंगे। इस तरह डबल धागे से चेन वन करेंगे, सिंगल धागे से एक चेन करेंगे और चेन टू। नेक्स्ट 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे सेम स्पेस में, चेन टू और 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे, इसे 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे का एक करेंगे। पेटल बना लिया हमने यहाँ पे, इस बार 2 चेन करेंगे, चेन टू। नेक्स्ट स्पेस में दोनों पेटल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें से 4 टाइम्स इनकम्प्लीट डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह अब हुक पर एक लूप लेंगे और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे, चेन टू करेंगे। इस तरह हर वाइट पेटल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें से हम ब्लू पेटल बना लेंगे, 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे और हुक पर एक लूप लेंगे और सारे लूप्स का एक करते जाएंगे और चेन टू का स्पेस देके बीच में। इस तरह हम टोटल 16 पेटल्स बना लेंगे थर्ड राउंड में। वन टू थ्री फोर, 4 पेटल्स हमने बना लिए और सारे पेटल्स बना लेंगे, कंप्लीट करेंगे ये राउंड। लास्ट स्पेस में 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। अब हुक पर एक लूप लेंगे और सारे लूप्स में से निकाल लेंगे, चेन टू करेंगे, फर्स्ट पेटल के ऊपर वाली चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे और थर्ड राउंड क्लोज करेंगे, एक चेन करेंगे, धागे को पुल कर लेंगे, कट कर लेंगे। इस तरह हमने थर्ड राउंड कंप्लीट कर लिया। इस राउंड में हमने ब्लू कलर के थ्रेड से 16 पेटल्स बना लिए। अब यहाँ पे दोनों पेटल्स के बीच में से स्टार्ट करेंगे, चेन टू स्पेस में से हुक को पास करेंगे, ग्रीन कलर के थ्रेड का लूप यहाँ से पुल कर लेंगे, डबल धागे से चेन वन, सिंगल धागे से और 3 चेन करेंगे आगे, टोटल 4 चेन करेंगे, 2, 3 एंड 4, चेन 4, 2 बार यान ओवर करेंगे, यान ओवर ट्वाइस और ट्रिपल क्रोशे करेंगे, अगेन एक ट्रिपल क्रोशे और करेंगे सेम स्पेस में, चेन 4 एंड 2 ट्रिपल क्रोशे, ऐसे 3 ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट चेन टू स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे 3, स्क्वायर बना रहे हम यहाँ पे,
थ्री डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट चेन टू स्पेस में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे, थ्री हाफ डबल क्रोशे करेगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे जैसे हमने बनाए वैसे डबल क्रोशे बना लेंगे, थ्री डबल क्रोशे। थ्री डबल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट स्पेस में हम यानो ट्वाइस करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में ट्रिपल क्रोशे करेंगे, थ्री ट्रिपल क्रोशे, चेन टू, अगेन थ्री ट्रिपल क्रोशे, ऐसा कॉर्नर बनाएंगे। चारों कॉर्नर्स में हमें थ्री ट्रिपल क्रोशे, चेन टू, थ्री ट्रिपल क्रोशे, ऐसा शेल बनाना है। अगेन थ्री ट्रिपल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। इस तरह नेक्स्ट स्पेस में डबल क्रोशे करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाए थे, थ्री डबल क्रोशे। इन थ्रेड्स को कट कर लेंगे। नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे। इस तरह बीच वाले स्पेस में हम जो मिडल वाला स्पेस है वहाँ पे हाफ डबल क्रोशे करेंगे, थ्री। इस तरह अगेन नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे। नेक्स्ट कॉर्नर बनाएंगे, नेक्स्ट स्पेस में ट्रिपल क्रोशे करेंगे, थ्री, चेन टू, अगेन थ्री ट्रिपल क्रोशे, ऐसा शेल बना लेगी यहाँ पे। चेन टू करेंगे, अगेन थ्री ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में, कॉर्नर बना लेंगे। इस तरह हमने कॉर्नर बना लिया। दोनों कॉर्नर्स के बीच में थ्री डबल क्रोशे, फिर थ्री हाफ डबल क्रोशे, आगे थ्री डबल क्रोशे बना लेंगे। आगे भी हम सेम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में मिडल वाले स्पेस में थ्री हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस में कॉर्नर बनाएंगे, फोर्थ कॉर्नर, थ्री ट्रिपल क्रोशे, चेन टू, थ्री ट्रिपल क्रोशे करेंगे, कॉर्नर बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे, मिडल वाले स्पेस में थ्री हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस में थ्री डबल क्रोशे। अब यहाँ पे इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। थ्री ट्रिपल क्रोशे हमने बना लिए थे, अगेन यहाँ पे थ्री ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशे, टू चेन करेंगे और यहाँ पे फोर्थ चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। फोर्थ राउंड को क्लोज करेंगे। इस तरह हमने स्क्वायर बना लिया।
नेक्स्ट फिफ्थ राउंड सेम थ्रेड से बनाएंगे, चेन थ्री करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे, हर स्टिच पर डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच पर डबल क्रोशे। इस राउंड में हम हर स्टिच पर डबल क्रोशे बनाएंगे और कॉर्नर पे टू डबल क्रोशे, चेन टू, टू डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह कॉर्नर में टू डबल क्रोशे करेंगे, टू चेन करेंगे। अगेन टू डबल क्रोशे करेंगे, टू डबल क्रोशे, चेन टू, टू डबल क्रोशे, ऐसा शेल बना लेंगे। आगे के हर स्टिच पर डबल क्रोशे करेंगे। इस तरह फिफ्थ राउंड कंप्लीट करेगी। हर कॉर्नर में टू डबल क्रोशे, चेन टू, टू डबल क्रोशे, ऐसा शेल बनाएगी और हर स्टिच पर डबल क्रोशे बनाएगी और ये राउंड कंप्लीट करेगी। हर स्टिच पर डबल क्रोशे। कॉर्नर में टू डबल क्रोशे, चेन टू, टू डबल क्रोशे, ऐसा शेल बनाएगी। अब यहाँ पे हम थर्ड चेन पर स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, अलग तरीके से क्लोज करेंगे। यहाँ पे लंबा धागा पुल कर लेके, कट कर लेके, अब इस धागे को सुई में पिरो लेके, अब यहाँ पे थ्री डबल क्रोशे के आगे वाली जो ये स्टिच है उसमें से सुई को पास करेंगे। इस तरह और यहाँ पे इस साइड की फर्स्ट स्टिच पर जो हमने टू डबल क्रोशे बनाए हैं उसके फर्स्ट डबल क्रोशे में से यहाँ से पीछे से निकाल लेके बीच में से यहाँ पे एक स्टिच बन गई है। इस तरह हमने इसे ज्वाइन कर लिया। हमारा स्क्वायर रेडी है। अब पीछे से इस धागे को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। इस तरह हमने ब्यूटीफुल क्रोशे फ्लावर स्क्वायर बना लिया। इस तरह के और भी स्क्वायर्स बना लेंगे, टोटल 10 स्क्वायर्स बना लेंगे। सारे 10 स्क्वायर्स को इस तरह अरेंज करेंगे, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1। इस तरह हमें इन्हें अरेंज करना है और जोड़ लेना है। दो स्क्वायर हमने पहले से जोड़ के रखे हैं, अब तीन स्क्वायर उसके नीचे इस तरह रखेंगे, उन्हें ज्वाइन कर लेंगे बीच में से। उसके बाद 4 स्क्वायर्स, उसके बाद 1 स्क्वायर। दो स्क्वायर्स को हमने इस तरह ज्वाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट 3 स्क्वायर्स को ज्वाइन करेंगे, इस तरह रखेंगे, राइट साइड बाहर की ओर रखनी है इस तरह। अब यहाँ पे जो हमने 2 चेन बनाई थी कॉर्नर पे, दोनों डबल क्रोशे के बीच में जो चेन बनाई थी उसके फर्स्ट चेन में से हुक को पास करेंगे। इस तरह बीच वाले जो लूप्स हैं उसमें से हम सुई को पास करेंगे इस तरह।
टू चेन बनाई थी उसके फर्स्ट चेन में से हुक को पास किया हमने। यहाँ पे नॉट लगा लेंगे अच्छे से, टू नॉट्स लगानी है। इस धागे को अंदर की ओर ले जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्टिचेस करेंगे। अंदर वाले लूप्स में, बैक लूप्स में हमें सुई को पास करना है दोनों स्क्वायर्स के, इस तरह। सामने वाले लूप्स में से बराबर सुई को पास करेंगे और स्टिचेस करते जाएंगे। इस तरह सिल लेना है, दोनों स्क्वायर्स को जोड़ लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है और बहुत सुंदर दिखता है जब हम जॉइन करते हैं। इस तरह इजी भी है और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इस तरह बीच वाले लूप्स में से दोनों स्क्वायर्स के सुई को पास करेंगे और स्टिचेस करते जाएंगे। एंड तक हमें इसी तरह बनानी है स्टिचेस। यहाँ पे लास्ट स्टिच तक हमें करना है। ये दोनों कॉर्नर के दो चेन बनाई थी हमने, दोनों चेन में से हम सेकंड चेन में से भी निकाल लेंगे, वहाँ तक बनाना है हमें। इस तरह हमने दोनों स्क्वायर्स को जोड़ लिया। लास्ट स्टिच पर दो बार यहाँ पर सुई को निकाल लेंगे, एक नॉट करेंगे और इस धागे को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेके इस थ्रेड को भी बीच में हाइड कर देंगे और एक स्क्वायर इसके साथ जोड़ लेंगे हम। थ्री स्क्वायर्स एक साथ जोड़ना है हमें, सेकंड रो में थ्री स्क्वायर्स रखने हैं। इस तरह हमने जोड़ लिया थ्री स्क्वायर्स को एक साथ, इस तरह रखेंगे। सेकंड रो हमने बना लिया, थ्री स्क्वायर्स एक साथ जोड़ लिए हमने। इस थ्रेड को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इस तरह अब थर्ड रो में हम फोर स्क्वायर्स को जॉइन करेंगे। फोर स्क्वायर्स को उसी तरह जॉइन करना है जैसे हमने इन स्क्वायर्स को किया था। इस तरह जॉइन कर लेंगे इन्हें भी। फोर्थ स्क्वायर को हम जॉइन कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरह हमने चारों स्क्वायर्स को एक साथ जोड़ लिया थर्ड लाइन में, इन्हें रखेंगे। बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे इन्हें, एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर लेंगे। इस तरह इन्हें भी जोड़ लिया हमने। फर्स्ट टू स्क्वायर्स जोड़ लिए, फिर थ्री स्क्वायर्स जोड़ लिए हमने, बाद में
फोर स्क्वेयर्स को ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे। अब फोर स्क्वेयर्स के सेकंड स्क्वेयर के नीचे हमें एक स्क्वेयर और जोड़ना है फोर्थ रो में, वन स्क्वेयर जोड़ना है यहाँ से, इसे ज्वाइन कर लेके जैसे यहाँ पे दिखाए हैं उसी तरह आपको ज्वाइन करना है। स्क्वायर को भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। बैक लूप्स में से ही हमें स्टिचेस करनी है, बीच वाले जो लूप्स है उसमें से। इस तरह हमने स्क्वायर को भी जोड़ लिया, टेंथ स्क्वायर को। अब यहाँ पे हम इन्हें इस तरह जोड़ेंगे, इन दोनों स्क्वायर्स को नीचे के दोनों स्क्वायर से यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे स्टिचेस बनाई थी। अब यहाँ पे भी नीचे के थ्री स्क्वायर्स को थ्री स्क्वायर से जोड़ना है। पहले ये दोनों स्क्वायर्स को जोड़ लेंगे, इस तरह एक्स्ट्रा थ्रेड यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह जोड़ लिया हमने। अब यहाँ पे जो फोर स्क्वायर्स हमने जोड़े थे उन्हें इस तरह रखना है, तीनों स्क्वायर्स के नीचे तीनों स्क्वायर्स आने चाहिए इस तरह। अब इन्हें भी एक साथ ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे इस तरह। यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, इन्हें भी हमने ज्वाइन कर लिया। सारी टेन स्क्वायर्स को हमने ज्वाइन कर लिया एक दूसरे के साथ, जैसे हमने डायग्राम में बताया था उसी तरह हमने इन्हें अरेंज किया और जोड़ लिया एक साथ। इस स्टिच पर, लास्ट स्टिच पर नॉट बनाएंगे, थ्रेड को कट नहीं करना है अभी। इस तरह बीच में से फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड करना है हमें दोनों स्क्वायर्स ऊपर की तरफ, और ये इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ पे मिडल वाले स्क्वायर्स को यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, जैसे हमने स्क्वायर्स को ज्वाइन किया था उसी तरह इन्हें भी यहाँ पे ज्वाइन करना है इन दोनों स्क्वायर्स के साथ। अब इस थ्रेड से ही हमें इन्हें ज्वाइन करना है, मिडल में से यहाँ से दोनों स्क्वायर्स को जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे, इस तरह स्टिचेस करेंगे। बैक लूप्स में से ही ज्वाइन करना है हमें, अच्छे से सामने वाले लूप्स में से ही हमें सुई को निकालना है, तो हमारा काम बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह हम इन्हें जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह हमने स्क्वायर के साइड को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया।
इस साइड को भी ज्वाइन कर लेंगे स्टिचेस करके। इस थ्रेड को बीच में से निकाल लेके अंदर की ओर ले जाएंगे और वहाँ पे इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर देंगे। थ्रेड को कट कर लेके अब यहाँ से भी हम इस साइड का एक साइड और यहाँ से दो साइड्स ज्वाइन कर लेके यहाँ से थ्रेड को पुल कर लेके और नॉट बना लेके इस थ्रेड को अंदर की ओर ले जाएंगे और यहाँ से दोनों साइड्स को इनसाइड लूप्स में से स्टिचेस करके ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे बीच में से स्टिचेस कर लेके चारों स्क्वायर्स जहाँ पे जॉइन होते हैं वहाँ पे एक स्टिच कर लेके यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस साइड को भी बंद कर लेके इस तरह हमने सारे साइड्स बंद कर लिए। यहाँ पे एक स्टिच करेंगे नॉट करेंगे और इस थ्रेड को इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर लेंगे कट कर लेंगे। सारे साइड्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट वाली ये साइड इसे भी ज्वाइन कर लेके यहाँ से हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया। थ्रेड को इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर देंगे। थ्रेड को अंदर की तरफ ले जाएंगे और इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर लेके एक नॉट करेंगे और थ्रेड को कट कर लेके इस तरह हमारी ब्यूटीफुल बैग रेडी है। अभी इस स्टिच में से हुक को पास करेंगे डबल धागे से चेन वन सेम स्टिच पर से हुक को पास करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हम हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे का राउंड बना लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ तक आएंगे हम। सारे साइड्स को हम यहाँ से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बनानी है हमें। चेन टू स्पेस में
टू सिंगल क्रोशे करेगी, हर कॉर्नर पे टू सिंगल क्रोशे और हर स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे। इस तरह हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था उस स्टिच तक हम यहाँ तक आएंगे। यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशे करेंगे, इस साइड में जॉइंट पर एक सिंगल क्रोशे और इस साइड पे एक सिंगल क्रोशे। ऐसे थ्री सिंगल क्रोशे हमने यहाँ पे बना लिए। हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, इस साइड में भी बना लेंगे हर स्टिच पर सिंगल क्रोशे। कॉर्नर में टू सिंगल क्रोशे, हर स्टिच पर वन सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट तक हम बना लेंगे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे स्लिप स्टिच करेंगे हम और ये राउंड क्लोज करेंगे। यहाँ पे बीच में इस स्टिच पर सिंगल क्रोशे, बीच वाले स्टिच पर जॉइंट पर वन सिंगल क्रोशे, इस साइड में भी वन सिंगल क्रोशे, इस तरह थ्री सिंगल क्रोशे, हर स्टिच पर एक सिंगल क्रोशे, इस तरह कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। हर कॉर्नर में टू सिंगल क्रोशे करने हैं हमें, हर स्टिच पर वन सिंगल क्रोशे। इस तरह हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे हर स्टिच पर, स्पेस में सिंगल क्रोशे। जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस स्टिच पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन करेंगे और धागा पुल कर लेंगे। धागा लंबा पुल करना है, कट कर लेंगे और इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर देंगे। इस तरह हमारी क्रोशे फ्लावर ग्रैनी स्क्वायर बैग रेडी है। अब इसे हम हैंडल लगाएंगे, कॉर्ड बना लेंगे। यहाँ पे थोड़ा धागा छोड़कर लंबा धागा छोड़ना है। सिलने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। नॉट बना लेंगे और चेन फोर करेंगे। फर्स्ट चेन पर स्लिप स्टिच करेंगे। छोटी सी रिंग बना ली हमने। अब यहाँ पे चेन थ्री करेंगे और सेम स्पेस में थ्री इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे। चेन थ्री और थ्री इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह। अब हुक पर एक लूप लेके और चारों लूप्स का एक करेंगे। इस तरह पेटल्स जैसा बना लिया हमने। चेन टू करेंगे, अगेन सेम स्पेस में फोर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे इस तरह और एक हुक पर एक लूप लेंगे और फाइव लूप्स का एक करेंगे। इस तरह बना लिया हमने। टर्न करेंगे वर्क को सेंटर के चेन टू स्पेस में से हुक को पास करेंगे, लूप को पुल कर लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन थ्री चेन करेंगे, थ्री इनकम्प्लीट डबल क्रोशे
हुक पर लूप लेके और सारे लूप्स का एक करेंगे, चेन टू करेंगे सेम स्पेस में, फोर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगे। हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स का एक करेंगे, टर्न करेंगे वर्क को, बीच में से स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन यहाँ से नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे, चेन थ्री करेंगे, सेम स्पेस में से थ्री इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स का एक करेंगे, चेन टू करेंगे, अगेन सेम स्पेस में फोर इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करेंगे, हुक पर एक लूप लेके और सारे लूप्स का एक करेंगे, टर्न करके वर्क को सेंटर में से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। इस तरह हम 29 टाइम्स ये बना लेंगे, 29 सेगमेंट्स बना लेंगे इसके, थ्री हमने बनाए हैं, लास्ट 29th बना लेंगे। टू चेन करेंगे, अगेन नेक्स्ट पेटल बना लेंगे यहाँ पे, सेंटर में से स्लिप स्टिच, एक चेन करेंगे और लंबा धागा पुल करना है हमें, जैसे हमने स्टार्टिंग में लंबा धागा छोड़ा था उसी तरह। इस तरह हमने ब्यूटीफुल कॉर्ड बना ली, 29 सेगमेंट्स बना ली हमने। ये हैंड बैग है इसलिए इसे हम लंबी कॉर्ड नहीं बनाएंगे, दूसरी साइड से भी धागा निकाल लेंगे। इस तरह की टू कॉर्ड्स बना ली हमने। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे, जो हमने धागा छोड़ा था उसमें सुई को पिरो लेके इस तरह रखेंगे, बीच में से हम इसे जोड़ेंगे, यहाँ से स्टिचेस कर लेंगे और इसे इस कॉर्नर पर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह रखना है और अंदर से ज्वाइन करना है यहाँ से, इस तरह स्टिचेस कर लेके और ज्वाइन कर लेके इसे। इस तरह हमने एक साइड से इसे लगा दिया, सिल लिया। अब इस साइड से भी इस तरह इसे ज्वाइन करेंगे, सिल लेंगे, यहाँ पे स्टिचेस करनी है। धागे को इनसाइड स्टिचेस में हाइड कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसे कॉर्ड की दूसरी साइड भी लगा देंगे, यहाँ पे स्टिचेस कर लेंगे। दूसरी कॉर्ड भी लगा लेंगे।
पीछे की तरफ इन दोनों कॉर्नर्स पर इस तरह लगा लेगी जैसे हमने यहाँ पे लगाई थी। इस तरह हमने ये कॉर्ड ज्वाइन कर ली, दूसरी भी कर लेगी यहाँ से। दोनों कॉर्ड्स हमने ज्वाइन कर ली। हमारी ब्यूटीफुल बैग बिल्कुल रेडी है, बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसे लाइनिंग करेंगे। इसके लिए हम एक कपड़ा लेंगे, सेम इसके नाप से हम एक कपड़ा लेंगे, उसे डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह रखना है बैग को उसके ऊपर। अब इसको मार्क कर लेंगे बैग के आकार में, इस तरह मार्क कर लेंगे और बाद में इसे कट कर लेंगे इस शेप को। कट करना है इस तरह। हमने इस शेप को कट कर लिया। अब यहाँ पे दोनों तरफ से हम स्टिचेस कर लेंगे। इस तरह हम बारीक सुई धागे से इसे सिल लेके दोनों साइड से हमें इसे स्टिच करना है। इस तरह स्टिचेस कर लेंगे। एक साइड से हमने स्टिचेस बना ली है, अब इस साइड से भी बना लेंगे। अगर आपके पास सेम कलर का थ्रेड हो तो उससे आप स्टिचेस कर सकते हैं। इस तरह यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह हमने ये स्टिचेस बना ली। इस तरह पाउच रेडी है हमारा लाइनिंग। इस लाइनिंग को अंदर की ओर इसी तरह से डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। इस तरह अब जो दोनों साइड्स के कॉर्नर हैं, यहाँ पे एक कॉर्नर और वहाँ पे दोनों साइड से कॉर्नर जो हैं उस पर हम पिन लगा लेंगे, फिक्स कर लेंगे पिन लगा के बीच वाले जो कॉर्नर हैं। इसको अच्छे से इंसर्ट करेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे दोनों साइड से कपड़े को और पिन लगाते जाएंगे। इस तरह सबसे पहले हम इस साइड के कॉर्नर्स में पिन लगाएंगे, यहाँ पे फोल्ड करेंगे बीच में और इस तरह की पिन लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि हमें सिलने में आसानी हो। यहाँ पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे पिन को, फिक्स करेंगे। दूसरी बीच वाली साइड में भी कपड़े को फोल्ड करेंगे इस तरह और यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे। इस तरह फिक्स कर लेंगे। अब ये दोनों साइड्स के कॉर्नर्स हैं, उनको भी अच्छे से इस तरह फोल्ड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा धागा बीच में इस तरह और पिन लगाते जाएंगे। इस तरह अंदर की ओर करना है धागा और यहाँ पे पिन लगानी है और स्टिच करनी है, बाद में स्टिचेस कर लेंगे। कॉर्नर बना लेंगे यहाँ पे, इस तरह कपड़े को फोल्ड करके बीच में अंदर की ओर यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे और पिन लगा लेंगे।
बाद में जब हम स्टिचेस करेंगे तो एक एक पिन निकालेंगे और स्टिचेस करते जाएंगे। यहाँ से भी फोल्ड कर लेंगे। सारे लाइनिंग को हम इसी तरह फिक्स कर लेंगे और बाद में इसे स्टिच करेंगे। इस तरह पिन लगा लेंगे, यहाँ पे भी इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और पिन लगाते जाएंगे, लाइनिंग बना लेंगे। अब इसे हम स्टिचेस करेंगे सेम कलर के धागे से। धागे को सुई में पिरो लेंगे। और यहाँ से स्टिचेस करते जाएंगे बॉर्डर से। छोटी छोटी स्टिचेस करनी है हमें। इस तरह आप यहाँ पे सीइंग मशीन का भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम हाथों से स्टिचेस कर रहे हैं। सबके पास सीइंग मशीन नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे हाथों से स्टिचेस करेंगे, हैंड स्टिचेस। मशीन जैसी स्टिचेस करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे एकदम छोटी सी स्टिच बनानी है इस तरह। इस तरह अच्छे से सिल लेंगे, पिन को निकालते जाएंगे और स्टिचेस करते जाएंगे और पूरी लाइनिंग को हम अच्छे से लगा लेंगे। सेम कलर के धागे से और भी अच्छे लगती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से हमने स्टिचेस बनाई हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि सेम कलर का धागा ही यूज करें। यहाँ से भी हम सिल लेंगे, अच्छे से स्टिचेस कर लेंगे, लाइनिंग को फिक्स करेंगे यहाँ पे स्टिचेस बनाकर। इस तरह हम अच्छे से स्टिचेस कर लेंगे बॉर्डर पे। धागे को अच्छे से फोल्ड करेंगे यहाँ पे बीच में, अंदर की ओर फोल्ड करना है और छोटे छोटे स्टिचेस करने हैं। सेम कलर का थ्रेड यूज करना है हमें। इस तरह हम लाइनिंग को पूरा कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने लाइनिंग को कंप्लीट कर लिया। अब इस तरह के दोनों तरफ से यहाँ से और यहाँ से प्रेस बटन लगा लेंगे। प्रेस बटन को सील लेंगे यहाँ पे। इस तरह हमने प्रेस बटन लगा दिया, लाइनिंग को भी अंदर से लगा दिया हमने, हैंडल लगा दिया। बहुत सुंदर ऐसी बैग हमारी रेडी है। इस तरह आप इसमें मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। इस तरह आप भी इसे बना सकते हैं, आपके मनपसंद कलर के थ्रेड से आप इसे बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी विड्थ 10.2 इंचेस इसकी विड्थ है, सेंटीमीटर में ये 26 सेंटीमीटर है। यहाँ से इसकी लेंथ 7.5 इंचेस है। इसकी मिडल लेंथ है 5 इंचेस। इस तरह
सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।